तो ये जो मस्कीटो रैकेट है, इसको मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग इसको पावर बैंक से भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए मस्कीटो रैकेट है, इसमें मैं यहाँ पर यूएसबी कनेक्शन लगा दिया हूँ। अब मैं इसमें यूएसबी का वायर लगा दिया हूँ, इसको मैं इससे जोड़ देता हूँ। ये देखिए, अब इसमें मेरे मस्कीटो रैकेट में एक टार्च दिया हुआ है। जैसे मैं इसको ऑन करूंगा, देखिए टार्च जलने लगा। और इसके बाद अगर मैं इसको रैकेट को ऑन करूंगा, ये देखिए रैकेट को ऑन करूंगा तो ये भी काम करेगा। देखिए काम कर रहा है। तो ये जो है, अगर आप ऐसा टाइप का बना लेते हैं तो ये जो है कभी आपका खराब नहीं होगा। तो देखते हैं इसको बनाना कैसे है। सबसे पहले हम लोग इसका कनेक्शन निकाल देते हैं यूएसबी से, और अगर इसमें कुछ बचा होगा पावर तो इसको डिस्चार्ज कर लेते हैं। अब जो है इसको खोलते हैं। सबसे पहले मैं इसको ऐसे निकाल देता हूँ, मेरा वाला जो रैकेट है ये इस टाइप के, इसमें टार्च वगैरह सब दिए हैं, तो इसको ऐसे टाइप का खोल लेते हैं पहले। ये हो गया, इसमें ऐसे कनेक्शन दिए थे पावर सप्लाई के लिए, इसी में आपको पावर सप्लाई हो जाता था। ये देखिए, अब इसमें जो है ये चार्जिंग के लिए वो दिया था, यहाँ पर बैटरी लगा था, तो मैं यहीं पर से क्या किया हूँ यूएसबी को जोड़ दिया हूँ। देखते हैं कैसे जोड़ा हूँ, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं ये जो यूएसबी केबल है इसको उस जगह पे सोल्डरिंग कर दिया हूँ जहां से आपका पावर सप्लाई जो है, एसी सप्लाई जो है फिल्टर होके जनरली अब सीधा सीधा इसको जाता था, रैकेट को जाता था सीधा। आप मतलब ये है कि आपका ये जो रैकेट है ये सीधा 5 वोल्ट पे ही चल जाता है, 5 वोल्ट के डीसी वोल्टेज पे ही चल जाता है। क्योंकि ये 5 वोल्ट के डीसी वोल्टेज पे ही चल जाता है, तो क्या था इसमें इस टाइप के बैटरी लगे रहते हैं, ऐसा बैटरी लगा हुआ था। और सबसे ज्यादा ये बैटरी खराब होता है, और कुछ भी खराब नहीं होता इसमें, कोई भी और ऐसे पार्ट्स नहीं लगे हैं जो खराब होते हैं। जनरली हम लोग को खराब हो जाता है तो हम लोग फेंक देते हैं, तो इससे अच्छा ये रहेगा कि आप इसको सीधा सीधा पावर दे दीजिए पावर बैंक से। इसको मैं 2 साल से यूज कर रहा हूँ और आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया। जब ये इसका बैटरी बस निकाल के, मैं इसका बैटरी को निकाल दिया और सीधा इसको पावर बैंक से जोड़ दिया, और पावर बैंक से जोड़ने के बाद ये कभी प्रॉब्लम नहीं किया है। तो अगर आपके पास यूएसबी वायर नहीं है, आपके पास यूएसबी वायर का नहीं मिल रहा है आपको, तो आप कोई भी पुराना आपके पास यूएसबी माउस या कीबोर्ड जो खराब हो गए होंगे उसको आप ले लीजिए, और उसके अंदर जो है 4 केबल रहते हैं। इसको अगर मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, इसमें 4 केबल रहते हैं। ये देखिए, इसमें 4 केबल हैं। इसमें जनरली अगर आपका रेड और ब्लैक दिख रहा होगा तो पावर सप्लाई के लिए, इसमें ऑरेंज और ब्लू है तो इसको आप एक बार और मल्टीमीटर से चेक कर लीजिएगा। जो पावर सप्लाई रहेंगे 5 वोल्ट का पावर सप्लाई रहता है। अब इसके स्क्रू को टाइट कर देता हूँ। अब मैं इसको इसके हैंडल पे लगा देता हूँ।
अब एक बार इसको वापस एक बार और चला के देखते हैं। इसको मैं पावर बैंक से जोड़ दिया, देखिए ऐसे नहीं काम कर रहा है ना, इसलिए कंफर्म है कि इसके अंदर बैटरी नहीं लगा है। ये देखिए इसकी लाइट जल गई। और अगर मैं ये वाले जो मस्कीटो मारने वाले जो बटन दिए रहते उसको अगर मैं दबाऊं और इसके बाद मैं उसको टच करूं, देखिए काम कर रहा है। मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आने वाले मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए जो बेल आइकन दिख रहा होगा आपको छोटा सा, उसके ऊपर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।